हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरा कुकिंग चैनल में स्वागत है। आज एक नया रेसिपी लेके आया हूँ, बुराता पिज्ज़ा। बुराता पिज्ज़ा कैसे बनाना है, चलिए आज शुरू। पहले हम डो को बेल लेते हैं। तो बेलने के बाद इसमें टोमेटो सॉस लगा दिया। इसके बाद डालूँगा टोमेटो, उगला हुआ टोमेटो डालना है। इसके बाद काला मटर डालूंगा। दो पीस काला मटर ले ले लेके इसको तोड़ तोड़ के चारों तरफ डाल देता हूँ, क्योंकि हर बाइट में आपका खाने में लगे। फिर पिज्जा को उठा लेता हूँ ओवन में पकाने के लिए, क्योंकि ये साइड थोड़ा सा चिपक रहा है। मैं मैदा डाल देता हूँ, हो गया। फिर ओवन में डाल देता हूँ मैं पकाने के लिए। डाल दिया। फिर डालने का कुछ टाइम के बाद फिर मैंने क्या क्या घुमाने पिज्ज़ा घुमाना ये कर दिया। पिज्ज़ा इधर से उधर घुमा देता हूँ, क्योंकि दूसरा एक तरफ कलर हो गया, दूसरा तरफ भी सेम कलर देना है। पिज्ज़ा हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा, 2 से 3 मिनट टाइम लगेगा। पिज्ज़ा हमारा तैयार हो चुका है, बिल्कुल गोल्डन कलर, क्रिस्पी। इस बात कर कर तो पिज्ज़ा को काट लेता हूँ। देखने में भी कितना मस्त लग रहा है। फिर इसके बाद 4 स्लाइस कर देता हूँ, फिर और 2 स्लाइस भी मार देता हूँ, फिर इधर से भी और 1 स्लाइस मार देता हूँ। हो गया हमारा पिज्ज़ा कटिंग। इसके बाद डालूँगा बुराता चीज़। तोड़ तोड़ के हर बाइट ये मैं स्लाइस में डाल देता हूँ, क्योंकि आपको हर बाइट में खाने में मज़ा लगे। ये दूध का ही बनाया हुआ होता है, ठीक है। आप मार्केट में ढूंढोगे तो मिल जाएगा आपको आसानी से। इसको तोड़ के डालना है। डालने के बाद इसमें ऑलिव ऑयल डाल देता हूँ। ऑलिव ऑयल डालने के बाद इसका ऊपर डाल देता हूँ 3 स्लाइस बेसिल लीफ। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। Yeah!